الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين خاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون صدق الله العلي العظيم محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين حمد و صلاة کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الروم کی تفسیر کا بیان آپ سن رہے ہیں. اس سے پہلی آیت میں سود کے حوالے سے ربا انٹرسٹ میں نے کچھ باتیں آپ تک پہنچائیں. لوگ خرچ کرتے ہیں سود پر زیادہ لینے کے لیے کہ ان کا مال بڑھ جائے, تو وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھے گا. جو خیرات دیں گے اللہ کی رضا کے لیے تو اس میں ان کو ضرور بڑھوتری اضافہ ملے گا, وہ انکریز ہوگا. سود بہت بری بیماری ہے. دنیا بھر میں سودی نظام کی وجہ سے لوگوں پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے, لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. سود لینے والا, سود دینے والا کتنا بڑا گناہگار, یہ بھی آپ کو بتا چکا. ہم سب کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ سود سے بچے. بظاہر دو پیسے کا فائدہ نظر آتا ہے, مگر کتنا نقصان ہوتا ہے وہ ہم نہیں دیکھتے. اور سود کھانے والے, سود لینے والے خوشحال نہیں ہوتے اور گناہ ان پر رہتا ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا کبھی کنگال نہیں رہتا, اس کو ضرور برکت ہوتی ہے اور آخرت میں بھی اس کا حصہ ہے. جبکہ سود کھانے لینے دینے والے کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا.
मैंने आपको ये भी बताया, आजकल बैंकिंग बैंकारी का निज़ाम है, लोग घरों में पैसे नहीं रखते, बैंकों में रखते हैं, वहाँ से जो सूद मिले उसका हिसाब अलग रखें, वो अपने पैसे में मिक्स न करें। उतनी रकम बग़ैर सवाब की नीयत के किसी मुस्तहिक को दे दें, किसी इदारे को दे दें जो खैराती काम करते हैं, नेकी का काम करते हैं, मगर अपने ऊपर इस्तेमाल ना करें। गवर्नमेंट के नाजायज़ टैक्स उससे अदा करें, और अगर किसी को दें तो बग़ैर सवाब की नीयत के दें। बैंकों में ना छोड़ें, वरना बैंक वाले उसका गलत इस्तेमाल करेंगे। ये तमाम तफसीलात बहुत तवील हैं, लेकिन कुछ आपको बता दी। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह ताला है जिसने तुम्हें पैदा किया, फिर तुम्हें रिज़्क दिया, रोज़ी दी, फिर तुम्हें मारेगा, फिर तुम्हें ज़िंदा करेगा। कुछ नहीं थे तुम, तुम्हें आदम से वजूद बख्शा, नीस्त से हस्त हुए, नहीं थे फिर हुए, फिर तुम्हें रोज़ी दी, यानी जब तक तुम दुनिया में ज़िंदा रहे तुम्हें रिज़्क बख्शा, खाने को, पीने को, पहनने को, रहने को। अल्लाह ताला राज़िक है। क्या है? आवाज़ आए, राज़िक, रिज़्क देने वाला। कई मर्तबा बता चुका हूँ, रिज़्क दी हुई चीज़ को कहते हैं। आपकी ज़िंदगी, आपका वजूद, आपकी सलाहियतें, आपका माल, आपकी ग़िज़ा, ये सब रिज़्क है। आपकी औलाद, ये सब रिज़्क है, ये अल्लाह ने दिया है। लोग रोज़ी की फ़िक्र में कितना कुछ करते हैं। जब पेट खाली होता है, भूख से बिलकते हैं, तड़पते हैं, तो चाहते हैं कुछ खाने पीने को मिले। आवाम, आम लोग खाना पीना चाहते हैं, ख़ास लोग दिल की रोज़ी मांगते हैं। यानी अल्लाह हमें फरमा बरदारी की तौफीक दे। वो इबादत में इखलास चाहते हैं कि हमारी इबादतें खालिस हो जाएं। जो कम हिम्मत है वो सिर्फ़ खाना पीना मांगता है। हालांकि कह रहा हूँ समझाने के लिए, ये खाना पीना गंदगी बनकर निकलता है। आपका फुजला जो निकलता है उसी से दोबारा खाद बनती है, उसी में फिर दोबारा बीज डाला जाता है। तो हम अगर सोचें तो हम इस खाने पीने के लिए क्या कुछ नहीं करते। लड़ लेते हैं, कितने फसाद कर लेते हैं, कितनी तकलीफ़ उठा लेते हैं, मगर हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमें अल्लाह ने रिज़्क का वादा किया है, वो देगा, हम आखिरत का भी कुछ इंतज़ाम करें, हम नेकी का भी कुछ इंतज़ाम करें। ये ज़िंदगी मौत की अमानत है। मौत आपकी ज़िंदगी की हिफाजत करती है, जब तक मौत का वक्त नहीं आएगा वो आपकी ज़िंदगी की हिफाजत करती है। सुबह से शाम, शाम से सुबह सरगर्दां, मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं रोज़ी के लिए, क्या कुछ नहीं करते, मगर अल्लाह के लिए पांच वक्त नमाज पढ़ना भी भारी लगता है, उसका नाम जपना भी भारी लगता है। अब मिसाल के तौर पर जुम्मा है, आज मुसलमानों की शौकत का दिन है,
पहली उम्मतों को जुम्मा दिया गया, उन्होंने कबूल नहीं किया, मुसलमानों को मिला। ये सैयदुल अय्याम दिनों का सरदार है। गवर्नमेंट ने भी कानून बनाया कि 1 बजे से 3 बजे तक काम न किए जाएं, जुम्मा पढ़ा जाए, मगर मस्जिद के पड़ोस में से आपको ठक ठक की आवाज़ें आ रही हैं। लोग दुनिया के लिए, उन्हें नहीं है कि 2 घंटे अपना काम रोक लें, अल्लाह को याद कर लें। वो ये समझते हैं कि इस 2 घंटे में हम अच्छी खासी कमाई कर लेंगे, हालांकि वो कितने गुनाहगार होते हैं उसका एहसास नहीं। कुछ लोग आखिर वक्त में जब नमाज का टाइम होगा उस वक्त आएंगे मस्जिद में, 2 रकत पढ़ेंगे और भागने की करेंगे, बाकी नमाज से उनको कोई दिलचस्पी नहीं। 24 घंटे में 6-6 घंटे 8-8 घंटे मैच देख लेंगे, ड्रामे देख लेंगे, मगर अजान की आवाज़ भी शुरू हो जाए तो वो इंतज़ार करते हैं कि कब ख़त्म होगी, सुनते नहीं हैं। तो ये हमारी कमज़ोरियाँ अगर हम नोट करें तो ये हमारी वो कमज़ोरियाँ हैं जो रिस्क में रुकावट का सबब बनती हैं। फिर हम कहते हैं जी बंदिश हो गई है। बंदिश नहीं होती है, हमारे अपने आमाल हैं, ये हमारे अपने आमाल हैं। हम खुद अपने रिस्क में रुकावट का सबब बनते हैं। हमें पता है, यकीन है, मानते हैं अल्लाह राज़िक है, रिस्क देने का वादा किया उसने। वो छोटा सा कीड़ा हो, दरख्त के किसी सुराख में छुपा हो, उसको वहाँ भी रिस्क पहुँचता। समंदर की तय में हो, पहाड़ों में हो, गारों में हो, अल्लाह रिस्क देता है। इंसान को शुक्र करने को कहा गया मगर इंसान ही नाशुकरा, किसी और को शुक्र करने को नहीं कहा, इंसान को कहा। शुक्र का मतलब कदर करो, अल्लाह का एहसान मानो, लेकिन हमें फुर्सत नहीं है। और जब मुश्किल पड़ती है तो फिर रोते हैं। कुछ लोग अपने आप को संभाल लेते हैं, संवार लेते हैं, और कुछ इसी तरह बेफिक्री में ही चले जाते हैं गुनाहों का बोझ लेकर। तो याद रहे, अल्लाह ताला से यही मांगा करें, या अल्लाह रोज़ी दे, बरकत वाली दे, कुशादा दे, और उसका शुक्र अदा कर कर इबादत की तौफीक दे। शुक्र अदा करने की तौफीक मिले, इबादत करने की, कि मैं खाऊंगा तो जिस्म में ताकत आएगी, मैं इबादत करूंगा। आपका मेहनत करना भी इबादत बन जाएगा अगर आप इबादत की नीयत से ज़िंदगी गुजारेंगे। इस हवाले से 2 बातें अर्ज़ करता चलूं। पहली बात तो ये कि अलकासिबु हबीबुल्लाह, मेहनत करने वाला, वो मजदूरी करे, तिजारत करे, नौकरी करे, जायज़, वो अल्लाह का प्यारा है। भिखारी बनना अच्छी बात नहीं है, इसको नापसंद किया गया। मेहनत से कमाए, अल्लाह ने दस्त व बाजू दिए, दिमाग दिया, सलाहियतें दी, मेहनत करें। जब पूरी कौम मेहनत करेगी तो फिर मुश्किलात नहीं होंगी। मेहनत करें, मेहनत करके कमाएं, ताकि आपकी रोज़ी आपके लिए, आपका पेट भी भरे और आपको सवाब भी मिले। तिजारत करना बहुत अच्छी बात है, मजदूरी करना, जायज़ नौकरी करना, ये सब अच्छी बात। तशरीफ़ रखें। मुझे और आपको याद रखना है, गौर करना है कि हमारा जो भी काम हो वो जायज़ हो, नाजायज़ काम से हमको बचना है। नौकरी करें तो जायज़ काम की, मजदूरी करें तो दयानत के साथ। ये हाल ना हो कि आपका टाइम मजदूरी का जितना है आधा आप
बैठ के गुजार दें, पूरी तरह काम ना करें। ये जो भी ऐसा करता है वो अपने आप को हलाल रिज्क नहीं पहुंचाता। दफ्तर का टाइम पूरा है, अगर 8 घंटे ड्यूटी है तो 8 घंटे ड्यूटी करें, उसमें जितना काम करना है करें, फ़ोन करके, गप्पे मार के, चाय पी के, इधर उधर की बातें करके वक्त ना गुजारें, बल्कि काम करें ताकि आपकी रोज़ी हलाल हो। हम लोग कितने गलत आदतों के मुर्तकिब होते हैं, कितने स्पॉइल हो चुके हैं, कितने बिगड़ चुके हैं, हम सुधरना ही नहीं चाहते। हर शख्स दयानत से, सच्चाई से, मेहनत से भागता है, नतीजे में फिर बरकत नहीं होती, फिर आपको मुश्किलात का सामना होता है। ये जितने मसाइल आपको पेश आते हैं वो आपकी इन्हीं कोताहियों की वजह से होते हैं। कितने लोग हैं, मिसाल के तौर पर असम्बली का मेंबर बन गया, असम्बली में नहीं बैठ रहा, कानून साजी में हिस्सा नहीं ले रहा, दावतें खा रहा है, प्रोग्रामों में शिरकत कर रहा है, असम्बली की हाज़िरी नहीं लगवा रहा और वहाँ से मुराआत फैसिलिटीज़ ले रहा है, तो क्या कर रहा है वो? इसी तरह कोई ओहदेदार, मनसबदार, कोई डेजिग्नेशन जिसके पास है उसकी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा तो उसकी रोज़ी हलाल नहीं है। मजदूर है, अगर मालिक खड़ा है, सुपरवाइज़र खड़ा है तो काम कर रहा है, वो हट जाए तो बैठ जाता है, तो ये क्या हुआ? तो अपनी रोज़ी को हलाल बनाओ, मेहनत करो और सच्चाई के साथ, जहाँ से सच उठ जाएगा वहाँ से बरकत उठ जाएगी। और फिर रुकावटें होती हैं जिनको आप बंदिशें कह देते हैं। क़ुरान कहता है, मन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन दनका, जो अल्लाह की याद से मुंह फेर लेते हैं उनकी मईशत तंग कर दी जाती है। हाथ काम में लगा रहे, दिल अल्लाह की याद में लगा रहे। मजदूरी करना, मेहनत करना, तिजारत करना, ये अच्छी बातें हैं, ये बुरी बात नहीं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु कपड़े की तिजारत करते थे, फिर खलीफा बने तो लोगों ने आपको कहा कि जी आप खिलाफत के फ़राइज़ अंजाम दें, आपका वजीफ़ा मुकर्रर किया जाए। इमाम आज़म अबू हनीफा तिजारत करते थे। मैं तो दीन सीखने वालों को, तलबा को भी कहता हूँ, कोई हुनर भी सीखो, दीन ना बेचना पड़े तुम्हें, ताकि तुम्हारी कमाई का सबब तुम्हारा हुनर बने। आज लूट मार के लिए हम मेहनत कर लेते हैं, भत्ता ले लेते हैं, हथियार दिखा के दूसरों को लूट लेते हैं, धोखा दे देते हैं, कर्ज मांग के फरार हो जाते हैं। वक्त 4 दिन दुनिया के गुजरेंगे, मगर उस दुनिया में भी और आखिरत में भी फिर आपको जिस चीज़ का सामना होगा उसकी आपको फिक्र नहीं है। ऐ इंसान, अल्लाह ताला ने तेरा रिस्क रखा है, हलाल तरीके से कमा और हासिल कर, बरकत भी मिले। तो अल्लाह ताला ने पैदा किया है, वही रोज़ी देता है। कोई अगर रोज़ी नहीं पा रहा तो अपनी कोताही से, मेहनत नहीं कर रहा होगा, तिजारत नहीं कर रहा होगा, मजदूरी नहीं कर रहा होगा, वरना अल्लाह का वादा है, रिज़्क आपका है, आपने उसको हासिल करने के लिए मेहनत करनी है। अब बीज बोते हैं, खाद डालते हैं, फिर उस पर पानी देते हैं, उसकी आप निगहदाश्त करते हैं, फसल उगती है। मैंने आपको बताया था, रोटी जो आप खाते हैं जिसको ब्रेड कहते हैं, आटे की रोटी, 360 वर्कर काम करते हैं तब जाके रोटी आपकी सामने आती है। कितने फरिश्ते हैं हवाओं पर, कितने पानी पर, कितने ज़मीन पर,
आगे फिर कितने और आगे लोग हैं जो उसमें काम करते हैं, तब जाके रोटी मिलती है। ऐ इंसान, शुक्र करना सीख और सच के साथ मेहनत करना सीख। अल्लाह ताला ने पैदा किया, कुछ लोग कहते हैं जी हमें क्यों बनाया, तो सुने आप अल्लाह को मशवरा देंगे क्या? अब क्या आप ऐसे होंगे कि अल्लाह को मशवरा देंगे कि किसको बनाओ और किसको नहीं बनाओ या हमें क्यों बनाया? अल्लाह बनाने वाला है तो हम अल्लाह की फरमा बरदारी करें ताकि हमारे बनने का मकसद पूरा हो। अल्लाह को किसी की किसी तरह ज़रूरत नहीं है, जो उसको याद करें वो उस पर उनको इनाम भी देता है, सवाब भी देता है, बहुत अच्छा बदला देता है। उसकी राह में खर्च करते हैं इनाम पाते हैं, सवाब भी मिलता है, इनाम भी मिलता है, इजाफा भी होता है। तो वो लोग जो आज ड्रामे देखकर, कहानियां पढ़कर माँ बाप से कहते हैं हमें क्यों पैदा किया, या इस तरह की बातें कहते हैं, ये बहुत गलत बातें हैं। हमें पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह ताला। और उसने हमें बनाया है तो हमें समझना चाहिए कि हम क्यों बने हैं, हम उस मकसद को पूरा करें, फिर आपकी ज़िंदगी भी कामयाब होगी, आपको खुशहाली भी मिलेगी, आप खुश भी रहेंगे, इत्मीनान भी होगा। जब अल्लाह ताला की फरमा बरदारी नहीं करेंगे तो फिर आप कुछ पा सकते नहीं। चोरी से भी आप लेते हैं, मेहनत से भी लेते हैं, तो कोशिश करें कि आप नेकी करके हासिल करें। हम सबको ख्याल रखना चाहिए। फिर फरमाया सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम, अल्लाह ने तुम्हारी जिंदगी जितनी रखी है उसके बाद तुम्हें मौत आएगी। ये मौत फना होने का नाम नहीं है। जिस्म से रूह के निकलने को मौत कहते हैं, वो कब्र में आपको फिर रूह लौटा दी जाती है, आप एक जहान से दूसरे जहान में चले जाते हैं, फिर आप एक लंबा अरसा बरजख में गुजार कर फिर उठाए जाएंगे। इसमें सूर का भी जिक्र है, हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे सब मर जाएंगे, दोबारा सूर फूंकेंगे फिर जिंदा हो जाएंगे। ये दोनों माने हैं। जिंदगी देने वाला भी अल्लाह है, जिंदगी लेने वाला भी अल्लाह। अजल के इख्तिताम पर तुम्हें मारेगा, फिर नफ़ा अखीरा में तुम्हें जिंदा उठाएगा। तुम्हारी बोटियां बोटियां हो चुकी हों, गल चुकी हों, कुछ भी ना बचा हो, अल्लाह दोबारा बना देगा, ताकि दुनिया में तुमने जो वक्त गुजारा है तुम्हारे जैसे आमाल होंगे उन पर जजा और सजा। नेकी करोगे तो अच्छा बदला पाओगे, बुराई करोगे तो बुरा बदला पाओगे। अल्लाह ताला किसी पर जुल्म नहीं करता। फिर फरमाया हल मिन शुरकाइकुम मन यफअल मिन ज़ालिकुम मिन शै, क्या तुम्हारे शरीकों में भी कोई ऐसा है जो इन कामों में से कुछ करे? ये अल्लाह ही की शान है, बनाना, रोजी देना, मारना, जिंदा करना, ये किसके काम है? मोहब्बत से कहिए, जो अल्लाह के सिवा किसी को माबूद बना लेते हैं, माबूद यानी इबादत के लायक, क्या वो ये काम कर सकते हैं? बुत हों, मज़ाहिर कुदरत हों, क्या वो ऐसा कर सकते हैं? नहीं। तो पहचानो अल्लाह को,
ये अल्लाह है जिसने पैदा किया है, जो रोज़ी दे रहा है, जो मारेगा फिर ज़िंदा करेगा। तो ये उमूर, ये काम सिवाय अल्लाह के कोई और नहीं कर सकता, तो फिर किसी को उसका शरीक बनाने का क्या मतलब है। ये चांद, सूरज, सितारे, सैारे अल्लाह ने बनाए हैं, आग, हवा, पानी, मिट्टी अल्लाह ने बनाए हैं। तुम अपने हाथों से बुत तराश कर उनको माबूद बना लेते हो, अल्लाह का शरीक बना देते हो। ये सारे मिलकर कोई ऐसा काम कर सकते नहीं। सारी दुनिया के बुत मिलकर एक मक्खी नहीं बना सकते। मक्खी बनाना तो दूर की बात, मक्खी उन पर बैठ जाए तो उड़ा भी नहीं सकते। तो फिर अल्लाह का शरीक कैसे बनाते हो, क्यों बनाते हो? अकल नहीं है, समझ नहीं है, क्यों ऐसा करते हो? मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हर किस्म के शुरका से अल्लाह पाक है, हर किस्म के शरीकों से अल्लाह, उसका कोई पार्टनर, कोई एसोसिएटर नहीं है। किसी को किसी तरह उसका शरीक बनाया जा सकता नहीं। यहां फिर एक बात आती है, बार बार करनी पड़ती है, क्योंकि एतराज करने वाले आपको वरगलाते हैं। वो बुतों से उम्मीदें जोड़ते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि जी आप कब्रों से उम्मीदें जोड़ते हो। वो बुतों को अल्लाह का शरीक ठहराते थे, तुम नबियों वलियों को अल्लाह का शरीक ठहराते हो, आप पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है। हज़ार मरतबा नहीं, लाखों मरतबा बताया गया, हम अल्लाह के सिवा किसी की पूजा, इबादत, परस्तिश, वर्शिप करते नहीं। अल्लाह की ज़ात में, सिफात में, उसके नामों कामों में किसी को उसका शरीक मानते, समझते, कहते नहीं। अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, कोई नबी, कोई वली हरगिज इबादत के लायक नहीं। तुम लोग बुतों के बारे में जो अकीदा रखते हो, हमारा किसी नबी वली के बारे में ऐसा कोई अकीदा नहीं है। हमारा कहना यह है कि हर एक को किसने बनाया है? अल्लाह। हर किसी को जो कमाल दिया है वो किसने दिया है? अल्लाह भी कमाल वाला है, बंदे भी कमाल वाले। अल्लाह का हर कमाल जाती है, उसका अपना है, किसी ने दिया नहीं है, किसी के कब्जे में नहीं, किसी के कंट्रोल में नहीं, उसमें कोई कमी बेशी कर सकता नहीं। हमारे पास जो कुछ है रब का दिया हुआ है, अल्लाह के कब्जा व कंट्रोल में है, अल्लाह कमी बेशी कर सकता है। जब बहुत सारे फर्क आ गए तो बराबरी की कोई गुंजाइश नहीं रही। हम किसी नबी वली को अल्लाह का शरीक नहीं मानते, किसी नबी वली की इबादत नहीं करते। हम कलिमा पढ़ते हैं ला इलाहा, इलाह के माने इबादत के लायक, माबूद। हम पहले कहते हैं नहीं कोई माबूद, नहीं कोई इबादत के लायक, फिर कहते हैं इल्ला, मगर अल्लाह। पहले हर किस्म के खुदाओं की नफी करते हैं, इनकार करते हैं, फिर अल्लाह का इकरार करते हैं। क्या मतलब? हमने पहले ही बता दिया कि हमारे पास अल्लाह के सिवा किसी की इबादत की कोई गुंजाइश नहीं। नबियों वलियों की हम ताजीम करते हैं, क्या करते हैं फिर कहिएगा? ताजीम करते हैं, इज्जत करते हैं। हर इबादत में ताजीम है, मगर हर ताजीम इबादत नहीं है। ये बात याद रखने वाली है कि हर इबादत में ताजीम है, मगर हर ताजीम इबादत नहीं। आप कौमी तराने के लिए ताजीमन खड़े हो जाते हैं, झंडे के लहराए जाएं खड़े हो जाते हैं, ये बज़ाहिर ताजीम है, मगर इसमें इबादत का कोई ख्याल नहीं है। तो जहन में रहे,
और हर वो ताजीम जो जायज नहीं है हम वो भी नहीं करते, जो ताजीम जायज है वही करते हैं, जो जायज नहीं वो करते नहीं। बुतों की ताजीम का अल्लाह ने कहीं हुक्म नहीं दिया, नबियों वलियों की ताजीम का हुक्म दिया, तो अल्लाह का कहना मानते हुए करते हैं। बुतों में उनके कान नहीं है, उनकी आंखें नहीं है, उनकी जबान नहीं है, उनके पांव नहीं है, क्या ये बुत देख सकते हैं? क्या सुन सकते हैं? चल सकते हैं? पकड़ सकते हैं? नहीं। मगर जो अल्लाह के प्यारे बन जाते हैं, अल्लाह फरमाता है उनकी आंखें मैं बन जाता हूं, उनके कान मैं बन जाता हूं, उनके हाथ मैं बन जाता हूं, उनके पांव मैं बन जाता हूं। समझ आ रही है बात या नहीं आ रही है? तो जो लोग कहते हैं नहीं जी वो बुतों की करते थे, तुम कब्रों की करते हो, हम किसी कब्र की पूजा नहीं करते। मैंने आपको ये बात सुनाई थी, एक मरतबा फिर सुना दूं। मूसा अलैहिस्सलाम के पास शैतान आ गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तू कितना अच्छा था, नमाज पढ़ता था, फरिश्तों में उठता बैठता था, जन्नत चला जाता था, तुझे कितनी सलाहियतें मिली थी, तूने अल्लाह का कहना क्यों नहीं माना? हजरत आदम को सजदा करने का हुक्म अल्लाह ही ने दिया था, क्यों नहीं माना? मर्दूद हो गया, तौबा क्यों नहीं कर लेता? उसने कहा क्या मुझे माफ़ी मिल जाएगी? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं अल्लाह से सिफारिश कर दूंगा, अल्लाह गफूर रहीम है। उसने कहा ठीक है फिर आप मेरी सिफारिश करा दें, मेरी माफ़ी हो जाए, मैं तौबा कर लेता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की या अल्लाह तेरा बनाया हुआ है, गलती हो गई, अब गलती मान रहा है, तौबा कर रहा है, तो माफ़ कर दे। अल्लाह ने फरमाया मूसा तुम प्यारे हो, तुम्हारी बात नहीं टालते, इसको कहो आदम को सजदा नहीं किया था, आदम की कब्र को सजदा कर दे, हम राजी खता मुआफ, हम राजी खता मुआफ। मूसा अलैहिस्सलाम ने शैतान को कहा तू तो बड़ा सस्ता छूट गया है, अल्लाह ताला ने फरमाया तो आदम को सजदा नहीं किया, आदम की कब्र को सजदा कर दे, हम राजी खत्म हुआ। वो आगे से शैतान, शैतान कहते हैं जो हद से बढ़ जाए, शतनुन से बना है ना, हद से बढ़ने। उसने कहा मूसा मैंने जिंदा आदम को सजदा नहीं किया, उसकी कब्र को कैसे करूँगा, मैं मर्दूद ही अच्छा, अंदाज़ा करें। तो जो लोग ये कहते हैं कि हम कब्र पुजारी हैं, सुनो हम कब्रों को पूजते, कब्र वालों की ताजीम करते हैं, और क्यों करते हैं कि वो अल्लाह वाले हैं। कौन है वो? क्या हर कब्र के साथ हमारा सलूक देखा? जब पता चले कि ये दाता गंज बख्श की कब्र है, ये गौसे आजम की कब्र है, ये ख्वाजा गरीब नवाज की कब्र, तो वो अल्लाह वाले हैं, हम उनको सलाम करते हैं। किसी कब्र को सजदा करना, किसी कब्र का को हम तवाफ करना, हम ऐसा कोई काम करते नहीं। तो जो लोग नहीं मानते उन्होंने तो मानना नहीं है, लेकिन मैंने आपका जहन साफ करने के लिए बता दिया कि अगर वो ये इल्ज़ाम दें कि जी वो बुतों से उम्मीदें लगाते थे, तुम कब्रों से, तो ऐसी कोई बात नहीं। वो बुतों को माबूद मान कर कैसा करते थे, हम कब्र वालों को अल्लाह का प्यारा समझकर उनके बारगाहों में जाते हैं कि वो अल्लाह की रहमत की जगह हैं, उनका वास्ता वसीला लेते हैं, मांगते अल्लाह से हैं। कब्र वालों को खुद से मुश्किल कुशा हाजत रवा मानते नहीं, वो खुद से मुश्किल कुशा नहीं, उनको मुश्किल कुशा बनाने वाला। जड़ी बूटियों में अल्लाह ने असर रखा या नहीं रखा? उनसे तकलीफ दूर होती है या नहीं? तो जो अल्लाह चीज़ों में असर रख सकता है, अपने बंदों में असर नहीं रख सकता? पूछ रहा हूँ आपसे, दवाएं क्यों लेते हो? फिर पुलिस की मदद लेना, फिर वकीलों की मदद लेना, फिर दूसरों का सहारा लेना, फिर ये सब क्या होगा? तो बात समझें, हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करते।
तो वो लोग जो ऐसा कहें तो मैंने इसका आपको जवाब दे दिया, आप समझा दिया, बता दिया। आपको कितनी मर्तबा मैंने मिसालें दी हैं। छुरी का काम क्या है? हजरत इस्माइल को क्यों नहीं काटा? क्या छुरी में काटने की सलाहियत खुद से है? अल्लाह ने रखी है, अल्लाह ना चाहे तो वो काटती नहीं। आग का काम जलाना, हजरत इब्राहिम को क्यों नहीं जलाया? अल्लाह ना चाहे तो आग जला सकती नहीं। नबी वली में कमाल रखा है तो अल्लाह ने रखा है, अल्लाह ना चाहे तो वो कुछ कर सकते नहीं। अल्लाह की अता से करते हैं, अल्लाह की दी हुई ताकत से करते हैं, खुद से कर सकते नहीं। मैं बोल रहा हूं, ये बोलने की कुव्वत किसने दी है? आप सुन रहे हैं, सुनने की कुव्वत किसने दी है? अल्लाह। अल्लाह ना चाहे तो आप सुन नहीं सकते, मैं बोल नहीं सकता। तो समझना है, हर कमाल अल्लाह का है जाती तौर पर, बंदों को जो मिला है रब का दिया हुआ मिला। तो रब किसी को ज्यादा दे तो मानेंगे या नहीं मानेंगे? पूछ रहा हूं। सारे एक जैसे जहीन होते हैं? सबकी एक जैसी आंख है, सब एक जैसा देखते हैं? नहीं, फर्क है। कमाल रखने वाला अल्लाह ताला जिसको चाहे जितना चाहे अता फरमाए। तो अल्लाह ही है देने वाला, अल्लाह ही है मुश्किल कुशा, अल्लाह ही है हाजत रवा। मगर अल्लाह किसी को ये ताकत दे तो मानेंगे या नहीं मानेंगे? पूछ रहा हूं। जाती तौर पर, हकीकी तौर पर अल्लाह ही दाता है। दाता देने वाले को कहते हैं, हकीकी तौर पर देने वाला अल्लाह ही है। अल्लाह आपको भी कहता है दो, तो अगर आप देने की ताकत नहीं रखते तो कैसे देंगे? तो आप देते हैं अल्लाह का दिया हुआ, खुद से देते नहीं। आपको जो मिलता है वो रब का दिया हुआ मिलता है, आप रब के दिए हुए में से देते हैं। अल्लाह का हर कमाल जाती है, हर चीज उसकी अपनी है। फर्क है, डॉक्टर शिफा देता है या अल्लाह? तो फिर डॉक्टर के पास क्यों जाते हो? हकीम, तबीब, मुआलिज, फिजिशियन, सर्जन क्यों जाते हो इनके पास, स्पेशलिस्ट? ओ जी मेरी ये चीज खराब हो गई है, ठीक कर दो। ठीक उसने करनी है या अल्लाह ने? तो आप अल्लाह के पास जाए ना, आप तो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर के पास जाना क्या शिर्क है? दवा किसने बनाई है? अल्लाह ने बनाई, अल्लाह ही ने बनाई है। अल्लाह चाहेगा तो दवा असर करेगी, अल्लाह नहीं चाहेगा तो दवा असर नहीं करेगी। बुनियादी बात अकीदा समझना चाहिए। हम अहले सुन्नत व जमात किसी नबी को, किसी वली को, किसी कब्र को हाजत रवा नहीं मानते कि वो जाती तौर पर ना। जिंदा और मुर्दा, दूर और नजदीक का तो हेर फेर करते हैं ना, कि नजदीक से कर सकते हैं, दूर से नहीं कर सकते, जिंदा कर सकते हैं, मुर्दा नहीं कर सकते। ये उनका हेर फेर है। आपको इसके बारे में एक बार नहीं, कई बार बता दिया, अल्लाह वाले मरते नहीं। थानवी साहब की किताब इमदादुल मुश्ताक पढ़ लो, वो अपने पीर साहब के बारे में लिखते हैं कि हमारे पीर ने कहा मेरी कब्र से वही फायदा होगा जो मेरी जिंदगी में मुझसे होता है। तो 14वीं सदी में उनका पीर दे सकता है तो पीरों का पीर गौसे आजम क्यों नहीं दे सकता? कमाल देने वाला कौन है? अभी रिज्क का लफ्ज आया, अल्लाह रोजी देता है। सूरह बकरा में मुसलमानों की 6 निशानियां बयान की हैं। शुरू में अल्लज़ीना युमिनून बिलगैब व युकीमून अस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम
یونفقون، اللہ فرماتا ہے جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اللہ نے جو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور قرآن کی آیت ہے جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں ان کو مردہ گمان بھی نہ کرنا، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے نزدیک رزق دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے ان کو رزق کا سلسلہ جاری، اور پہلی آیت نے بتایا کہ رزق ملتا ہے تو خرچ کرتے ہیں، تو جب رزق ملنے کا سلسلہ جاری ہے تو خرچ کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ان کو مل رہا ہے تو وہ بانٹ بھی رہے ہیں۔ تو جو انکار کرنے والے ہیں ان کی ہٹ دھرمی ضد ہے جو نہیں مانتے، ورنہ قرآن حدیث سے سب کچھ ثابت ہے۔ یہ لوگ یاد رکھیں، اچھی طرح یاد رکھیں کہ ہر کمال ذاتی طور پر اللہ کا ہے، مخلوق میں جو کچھ ہے وہ رب کا دیا ہوا، رب کا ذاتی اللہ کا ہے، دیا ہوا عطائی کہلاتا ہے۔ ذاتی اور عطائی برابر نہیں ہوتے، جب برابری نہیں تو شرک بھی نہیں۔ ایک بات آپ نے سن لی، اب سن لیں کہ موت کس کو کہتے ہیں۔ آپ کے ہاں مردہ کا لفظ کہا جاتا ہے، فارسی میں مردہ کا لفظ ہے، اردو میں آپ مرا ہوا کہہ دیتے ہیں، عربی میں میت کہتے ہیں۔ سنیں، موت فنا ہونے کا نام نہیں ہے، بالکل ختم ہو جائیں گے ایسی کوئی بات اونچی۔ اللہ فرماتا ہے ثم یمیتکم ثم یحییکم، موت آپ کو، میں پوچھوں کہ حیات کس کو کہتے ہیں، حیات کا مطلب زندگی، لائف، تو آپ کہیں گے جسم میں روح ہے یہ زندگی ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ جسم میں روح ہے اس کو، تو اللہ کا تو جسم ہی نہیں ہے، پھر اللہ کی زندگی کیسے ثابت کرو گے؟ وہ تو جسم جسمانیات سے پاک ہے۔ تو جسم میں روح ہونا یہ زندگی کا سبب ہے، زندگی کا سبب ہے۔ اللہ تعالی کسی سبب کا محتاج ہے کیا؟ نہیں، سوچا بھی نہیں جا سکتا، سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ کہنا تو دور کی بات ہے، اس کو کسی کی کسی طرح حاجت ضرورت نہیں ہے، سب کو اس کی حاجت ہے۔ اللہ تعالی حی، زندہ ہے، اس کا جسم نہیں ہے، وہ زندہ ہے۔ تو جسم میں روح کا ہونا سبب حیات ہے، حیات کا سبب ہے۔ یہ روح نکل جاتی ہے، آپ کو مردہ کہا جاتا ہے۔ صرف روح کا وقتی طور پر نکلنا، کیونکہ قرآن کی آیت ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ ذائقہ کس چیز کو کہتے ہو؟ چکھنے کو، ٹیسٹ۔ کوئی چیز آپ نے چکھی، اس کو ذائقہ معلوم ہو گیا، کڑوا ہے، میٹھا ہے، ترش ہے، نمکین ہے، پیکا ہے، ذائقہ، ٹیسٹ۔ کھانا کھانا کہا گیا یا ذائقہ کہا گیا؟ پوچھ رہا ہوں، ذائقہ کا لفظ، موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ چکھنے کا کیا ہوگا؟ روح نکلے گی، آپ کو دوبارہ لوٹا دی جائے گی قبر میں، آپ کا سارا سلسلہ، پھر حشر کا سلسلہ۔ موت بالکل فنا ہو جانے کا نام نہیں ہے، یہ یاد کرنا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جی بالکل ختم، تو پھر قرآن کی کتنی آیتوں کا انکار ہوگا؟
और आप ईमान की सिफतों में पढ़ते हैं, वलबासिबाद अलमौत, वो हमें मरने के बाद दोबारा उठाएगा, जिंदा करेगा। ये हमारे ईमान में शामिल है, हमने मरना है, मरने के बाद दोबारा उठना है, हिसाब किताब होना है। तो मौत फना होने का नाम नहीं, एक जहान से दूसरे जहान में जाने का। कहते हैं अलमौत जसरुन, मौत एक पुल है जिससे आप आलम दुनिया से निकलकर आलम बरजख में चले जाते हैं। एक जहान से दूसरे जहान तक जाने का मरहला, इसीलिए इंतकाल कहते हैं, ट्रांसफर, बदली होना। इसीलिए वफात कहते हैं उठाया जाना। बिल्कुल फना होने का नाम मौत नहीं। अल्लाह ताला ने बनाया कुल्लु शैइन इंदहु बिमिक़दार, उसने हर शय की एक मिक़दार बना दी। कायनात में शुरू में सब कुछ बना दिया, दुनिया में लोग रिसाइकलिंग हो रही है, एक चीज़ दोबारा घूम रही है, चल रही है। कितनी हवा, कितना पानी, कितने पहाड़, कितनी मट्टी, कितने दरख्त, कितने पत्ते, कितने फल, ये रिसाइकलिंग दोबारा बन रहे हैं। अल्लाह ने जो मिकदार जिसकी रखी है, इसी तरह आपकी ज़िंदगी का एक वक्त रख दिया, वो एक लम्हा हो या 100 साल हो या 500 साल हो या 1000 साल हो, जितना रखा है ये एक वक्त है, वो आपने दुनिया में गुजारना है। उसने पैदा किया है, उसने आपकी ज़रूरत का हर सामान किया है। आपको ज़मीन की ज़रूरत ज़मीन दी है, हवा की ज़रूरत हवा दी, पानी की ज़रूरत पानी दी, लिबास की ज़रूरत, अल्लाह ने हर चीज़ बना दी। अब आप उससे हासिल करते हैं, वो हर चीज़ आपको मिलती है। एक वक्त तक आपने उसको इस्तेमाल करना है, जवानी में ज़्यादा कम, फिर बुढ़ापा आ जाता है, फ़र्क आ जाता है, बिलाखिर आपका वक्त पूरा हो जाता है। बहाना बने या ना बने आप चले जाते हैं। सोते सोते नहीं उठे, अच्छे भले थे, तंदुरुस्त सोए थे, कोई तकलीफ नहीं थी, नींद में ही चले गए। आप लोग जब पूछते हैं ना किसी के यहाँ वफात हो जाए, आप पूछते हैं क्या हुआ था, तो कुछ होना ज़रूरी है। जो आप ये पूछते हैं ना कि क्या हुआ था, तो इसका मतलब कुछ हुआ हो तो मौत सही है, कुछ नहीं हुआ तो फिर कैसी मौत है। हाँ, ये पूछ सकते हैं कि बहाना क्या बना, ये नहीं पूछना कि क्या हुआ था, आप पूछ सकते हैं क्या बहाना बना। तो बहाना भी ज़रूरी नहीं, मौत का वक्त मुकर्रर है। मेहरबानी। इज़ा जा अजलहुम, जब किसी की अजल आ जाएगी, वक्त आ जाएगा, ला यस्ताखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, एक सेकंड का भी कुछ हिस्सा आगे पीछे नहीं कर सकेगा, वक्त आ गया, जाना है। ये नहीं कि जी यार अभी मैं मसरूफ़ हूँ, अभी मैं फरिश्ते से आप नहीं कह सकते कल आ जाना, शाम को आ जाना, एक सेकंड भी आप आगे पीछे कर सकते नहीं। कब आ जाना वक्त ये भी मालूम नहीं है। आसार अलामतें जाहिर होती हैं, बुढ़ापा आ जाता है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, जिस्म कमज़ोर हो जाता है, ये अलामतें हैं। संभल जाओ, संभाल लो अपने आप को, सुधर जाओ, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरी जवान आदमी है, उसका टाइम आ गया, चला जाएगा। बच्चा है, चला जाएगा, 100 साल का बूढ़ा है, नहीं टाइम आया, नहीं जाएगा। तो आपने एक वक्त गुजारना है दुनिया में, जितना आपके लिए लिख दिया गया। अब आप बहुत सी वजीफों में पढ़ते हैं कि उम्र बढ़ जाती है, उम्र वो बड़ी हुई भी लिखी हुई है, वो बड़ी हुई भी लिखी कि ये बंदा ये नेकी करेगा, इसके इनाम में इसकी इतनी बढ़ा दी जाएगी, वो भी लिखी हुई है, वो भी लिखी हुई है।
वक्त आएगा, जाना है। तो ये नहीं समझना कि बिल्कुल खत्म हो गए, नहीं, एक जहान से दूसरे जहान, उसको बरज़ख़। दुनिया में नहीं आए थे तो अरवाह, आलम अरवाह में, रूहों की दुनिया, ये जिस्मों की दुनिया, उसके बाद पर्दे की दुनिया, फिर आखिरत, आखिरी ये आलम आपके गुजरेंगे। किन किन मरहलों से गुजरते हैं आप, तो याद रखें, हर इंसान जी नफस जो सांस लेने वाला है उसका एक वक्त मुकर्रर है। एक जवाब हो गया। दूसरा ये कि ये सारी कायनात जितनी बनाई है, इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे, धाड़ होगी एक चिंगार, सूर फूंकेंगे, जो जहां होगा खत्म हो जाएगा, जो जहां होगा, ऊंची कहिए, जोर से कहिए, इसराफील अपनी ताकत से करेंगे या अल्लाह की दी हुई ताकत। बात अभी भी समझ में नहीं आई क्या? उनकी सूर में कितनी ताकत होगी, सब खत्म हो जाएंगे, तो ये ताकत अल्लाह फरिश्ते को दे सकता है, अपने नबी को नहीं दे सकता। अल्लाह ही ताकत देता है, वो अल्लाह की दी हुई ताकत से सूर फूंकेंगे, सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, सारी दुनिया। वो दोबारा सूर फूंकेंगे, उसमें कितना फासला होगा, उसके लिए मुख्तलिफ रवायतें हैं, कुछ अरसा, कुछ दिन, महीने, साल, वो दोबारा सूर फूंकेंगे, सब दोबारा जिंदा हो जाएंगे। तो फरिश्ते के सूर में इतनी ताकत, मारा भी जाएगा जिंदा भी किया जाएगा, ये काम करेगा फरिश्ता। अल्लाह फरमाता है मैं करता हूँ। अल्लाह ने फरिश्ते के लिए कहा कि वो उसको ताकत दी, मगर करने वाला हकीकत में कौन है? अल्लाह। तो अल्लाह का कोई शरीक नहीं। कहा हल मिन शुरकाइकुम, तुमने जिनको शरीक बनाया वो ऐसा कर सकते हैं, तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी कर सकते हैं, तुम्हें कुछ दे सकते हैं ये बुत? नहीं। अल्लाह के नबी वली अल्लाह की अता से दे सकते हैं। आप तो एक दूसरे को कुछ देते हो या नहीं? किसने दी है ताकत? खुद से देते हो या अल्लाह की दी हुई ताकत से देते हो? बात को समझो, बुत कुछ नहीं कर सकते, न किसी को जिंदा कर सकते हैं, न रोजी दे सकते हैं, न मार सकते हैं, न जिंदा कर सकते हैं। हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है मैं शुरका से गनी हूं, बेपरवाह, उसका कोई शरीक, कोई शरीक। आपको एक वजीफा याद करवा देता हूं, कसरत से पढ़ा करो, बहुत फायदा होता है। अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला शरीक ला, अल्लाहु रब्बी ला शरीक ला। दूसरी तरह पढ़ना है तो अल्लाहु अल्लाहु ला उशरिकु बिही शैया, ये भी अल्फाज आसान लफ्ज बता दिए, अल्लाहु रब्बी ला शरीक ला, कसरत से पढ़ते रहा करो, बहुत फायदा होगा, बलाएं भी दूर होंगी, गम भी दूर होंगे, अल्लाह राजी भी होगा, सवाब भी मिलेगा। अल्लाह ताला का कोई शरीक, कोई मददगार, हाँ अल्लाह जिसको मददगार फरमाए वो मददगार है। सबको उसकी मदद की ज़रूरत है, उसको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं। उसने वली बनाए, वली मददगार को कहते हैं, औलिया जमा, ये अल्लाह ने बनाए हैं, ये खुद से नहीं। किसने बनाए? औलिया अल्लाह, अल्लाह के मददगार, वो अल्लाह के दीन की मदद करते हैं, अल्लाह की मखलूक की मदद करते हैं, अल्लाह की अता से। उनको मदद करने वाला किसने बनाया? झगड़ा ख़त्म। हम ये कहें ये खुद से करते हैं, ये खुद से हैं, तो गलत होगा, और कोई ऐसा मानता
नहीं। हम अल्लाह की मदद के बगैर कुछ भी नहीं, अल्लाह की मदद के बगैर हम अल्लाह मदद ना करे मैं सांस ले सकता हूं, हरकत कर सकता हूं। आप लोगों के यहां कहावत है अल्लाह के हुक्म के बगैर पत्ता नहीं हिलता, हालांकि कुरान में वमा तस्कुतु मिन वरकतिन इल्ला, कोई पत्ता नहीं गिरता मगर अल्लाह जानता। छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज, कोई भी अल्लाह के इल्म से बाहर नहीं, छुपी हुई खुली हुई सब जानता। अल्लाह किसी को दिखा दे, अल्लाह किसी को बता दे, तो अल्लाह के दिखाने से, अल्लाह के बताने से बंदा देख सुन सकता है या नहीं, जान सकता है या नहीं। वकज़ालिका नुरी इब्राहीम, अल्लाह फरमाता है हमने हजरत इब्राहीम को दिखाया, क्या दिखाया, जमीन व आसमान की बादशाही, क्या सिलसिला, अल्लाह फरमाता है हमने दिखाया। तो अल्लाह दिखाए तो हम मानेंगे या नहीं मानेंगे। मैं बार बार आपका जहन साफ करने के लिए कि कोई शक ना डाल दे, मगर अकीदा यही है कि अल्लाह की अता के बगैर बंदा कुछ कर सकता नहीं। बंदे में जो भी कमाल है रब का दिया हुआ है, रब के दिए हुए कमाल से बंदा देखता सुनता बोलता चलता फिरता। अल्लाह ना दे कमाल तो बंदा देख सुन सकता नहीं। इतनी बात आपने वाज़े तौर पर याद कर ली। हम अल्लाह ही से मदद मांगते हैं, अल्लाह ही मदद करने वाला है, मगर वही अल्लाह फरमाता है एक दूसरे की मदद करो। क्या मतलब, मैंने तुम्हें ताकत दी है, मेरी दी हुई ताकत से, मेरे दिए हुए कमाल से तुम एक दूसरे की मदद करो, तो बंदे भी मदद करते, ऊंची बंदे भी मदद करते, चीजें नफा देती हैं। वल्फुल्कि लती तजरी फिल बहरी बिमा यन्फाउन्नास, ये जो कश्तियां हैं, बोट, लांच, शिप, जहाज, इधर से उधर ले जाते हो, उससे सामान लेते हो, अल्लाह फरमाता है लोगों के लिए फायदे। तो नफा किसने रखा है, ऊंची ये जहाज उड़ रहे हैं। मा युमसिकुहुन्ना इल्लर रहमान, कौन है उनको रहमान के सिवा थामने वाला। नेशनल ज्योग्राफी से अगर आपको दिलचस्पी हो तो देखा है टीवी पे या आपके इंटरनेट पे आता है नेशनल ज्योग्राफी, वो दिखाते हैं एक परिंदा है वो एक तरफ से उड़ता है दूसरे किनारे जाता है, समंदर पर प्रवास करता है, किस पर, मुसलसल, ये नहीं कि एक दिन की प्रवास कहीं सांस ले लिया, महीना भर मुसलसल एक सेकंड रुके बगैर वो परिंदा है प्रवास करता है। किसने ताकत दी है, मछली है अंडे देने के लिए समंदर के एक किनारे से दूसरे किनारे जाती है, और उस वक्त उसको डर होता है कोई मेरा शिकार ना कर ले, बड़ी तेजी से समंदर का सीना चीरते हुए जाती है, जब वापस आती है तो शिकार हो जाती है। वो पूरा रास्ता तय करती है, उसको ताकत किसने दी है, हजारों लाखों मील का सफर परिंदा उड़ के तय कर रहा है। छोटा सा परिंदा है, कितनी गिजा खाली होगी, आप तो फिर एक रोटी खा लेते हैं, परिंदा तो थोड़े से दाने चुगता है, मगर पूरा महीना उड़ता है वो समंदर के ऊपर, उसकी रफ्तार में फर्क नहीं आता, मुसलसल उड़ता है। तो जो अल्लाह परिंदे को इतनी ताकत दे रहा है, अपने प्यारों को कितनी ताकत दे रहा है। समझ आ रही है बात। وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ, अल्लाह फरमाता है हमने लोहे को उतारा, उसमें बहुत सख्ती है और लोगों के लिए फायदे हैं, नफा है। कितनी चीजें लोहे से बन रही हैं, नफा मिल रहा है या नहीं मिल रहा, किसने उतारा, उसमें ये सख्ती और नफा किसने रखा है। तो वो अल्लाह जो लोहे में नफा रख सकता है, अपने नबी वली में नहीं रख सकता।
लफ्जों में नफा, चीजों में नफा, तो अल्लाह के प्यारों में क्यों नफा नहीं है? जी सेब खाओ ये ताकत आएगी, अमरूद खाओ ये ताकत, आड़ू खाओ ये ताकत, बादाम खाओ ये ताकत, पिस्ता खाओ ये ताकत, पालक खाओ तो ये ताकत, हर चीज की तासीर मान रहे हो, नबी वली की तासीर से इनकार करते हो। जिस रब ने उन चीजों में तासीर रखी है उसने अपने प्यारों में भी रखी है, अफजल मखलूक में आला तासीर रखी है। कोई शुबा, कोई शुबा? आपके लफ्जों में असर है या नहीं है? आप किसी की तारीफ करें वो खुश होता है या नहीं होता? आप किसी की बुराई करें गुस्सा आता है या नहीं? तो लफ्जों में असर है या नहीं है? लहजों में असर है या नहीं है? पूछ रहा हूं। तो लफ्ज आला मखलूक है या नबी वली आला मखलूक है? तो जब अदना में असर है तो आला में क्यों नहीं होगा? ये सिर्फ समझने के लिए मैंने कुछ बातें की ताकि आपको मालूम हो जाए। वो जो कहते हैं ना जी कोई शय ही नहीं है, उससे ये पूछो तू बोल रहा है ये बोलने की ताकत, तू अपने आप को शय समझ रहा है तो किस तरह समझ रहा है? अगर शय नहीं है तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का उम्मती एक महीने के जाने का रास्ता, एक महीने के आने का रास्ता, इतना बड़ा तख्त पलक झपकने से पहले कैसे ले आया था? कुरान में है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने लाठी दी थी, वो पत्थर पे मारते थे चश्मा जारी हो जाता था। मेरी आपकी लाठी से होता है? पूछ रहा हूं। तो फिर असर मानो ना। इनकार करने वालों, तुम्हारे इनकार से तुम्हें नुकसान है, अल्लाह की कुदरत को कोई नुकसान नहीं, नबी वली की शान को कोई नुकसान नहीं है। अल्लाह का कोई किसी तरह शरीक नहीं है। जो भी कोई अल्लाह का किसी को शरीक ठहराएगा, कुरान ने वाज़े कर दिया, इन अल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह शिर्क को नहीं बख्शेगा, शिर्क के सिवा अल्लाह जो चाहेगा बख्श देगा। शिर्क की बख्शिश, मगर जो शिर्क है उसको शिर्क कहो, जो शिर्क नहीं उसको शिर्क। बहिश्ती ज़ेवर नाम की किताब छापी हुई है, थानवी साहब के नाम से छपी हुई है, उसमें शिर्क में, शिर्क की फहरिस्त में सेहरा बांधना भी शिर्क लिखा हुआ। अब ऐसी चीजों को शिर्क ठहराएंगे तो समझ लो इनका क्या हाल है। अल्लाह ताला के साथ किसी को उसकी जात में शरीक समझना, उसके अफाल में शरीक समझना, किसी को उसका शरीक ठहराना, मानना, कहना, समझना, ये शिर्के अकबर, ये सबसे बड़ा शिर्क, सबसे बड़ा शिर्क। उसकी इबादत में किसी और को उसका शरीक बनाना। इबादत किसके लिए करते हो? सच बताओ किसके लिए करते हो? मैं तीसरी मर्तबा पूछ रहा हूं, सच बताओ किसके लिए करते हो? सबने जोर से कहा अल्लाह के लिए करते, तो आप अपने फायदे के लिए हो। मैं नमाज पढ़ू मेरा ये काम हो जाए, मैं नमाज पढ़ू मेरा मुकदमा हल हो जाए, मैं वजीफा पढ़ू ये हो जाए। आप कहते हो अल्लाह के लिए करते, तो आप अपने काम के लिए हो। दो जवाब मुझे अब। क्या कहोगे इसको? बच्चों का इम्तिहान आना हो, नमाज पढ़ने लग जाएंगे, क्यों? अच्छे नंबर आ जाएं, पास हो जाऊं। बाकी पूरा साल नहीं नमाज, उन दिनों में नमाज पढ़ेंगे। जलजला आ जाए, डर से नमाज पढ़ेंगे। नमाज किसके लिए पढ़नी चाहिए? अब शिर्क खफी, छुपा हुआ शिर्क बता रहा हूं आपको, छुपा हुआ शिर्क। नमाज पढ़ रहे हैं, दूसरा देख रहा है ना, तो बड़ा दिखा दिखा के, बना बना के पढ़ रहे हैं। वैसे आप तेज़गाम होते होंगे,
लेकिन कोई देख रहा है तो बड़े ये इसको शिर्क खफी कहते हैं, दिखा के पढ़ना, रियाकारी जिसको कहते हैं, शो ऑफ। दो घंटे से मुसल्ले पे हूँ, अगला समझे बड़ा नमाजी हूँ, तस्बीह हाथ में पकड़ी हुई है, टोपी है जनाब, दिखावे के लिए। क्या होना चाहिए? खालिस अल्लाह के लिए, खालिस खालिस अल्लाह। हमारे अंदर दिखावा आ जाता है। जब रियाकारी दिखावे के साथ सवाब की उम्मीद गालिब हो, ध्यान सवाब पर हो, दिखावे पर ना हो, दिखावा हो रहा है मगर ध्यान सवाब पर हो, दिखावे पर ना हो, तो फिर मेहनत जाया नहीं होगी, लेकिन पूरा सवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि दिखावा तो कर रहा है। मकसद दिखावा ना हो, किसी की परवाह ना हो, बस ये कि अल्लाह देख रहा है, कोई और देख रहा है नहीं देख रहा, नोट कर रहा है नहीं कर रहा, क्या समझ रहा है क्या नहीं कर रहा, अल्लाह देख रहा है। अल्लाह के लिए जो खालिस करोगे वो असली इबादत, बीच में मिलावट हो गई तो शिर्क खफी कहलाता है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, शेख कलाबाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, जब अमल की इब्तिदा में शुरू में सवाब की नियत हो और बाद में हल्का दिखावा हो रहा हो, तो फिर वो मुज़िर नहीं, मुज़िर का मतलब वो हार्मफुल नुकसान दे नहीं है, ना ही उस अमल को कोई शह ज़ाया कर सकती है, क्योंकि रिया वो है जो इबादत में शुरू में किसी दूसरे की तारीफ करने के इरादे पर हो। ये खलतु अमलन सालिहा कुरान में आया है ना, मिक्स नहीं करो, इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए करो। आप मस्जिद आते हो फर्ज नमाज जमात के साथ पढ़ने, बज़ाहिर दिखावा है मगर आपकी नीयत दिखावा नहीं है, तो आपका सवाब कहीं नहीं जाएगा। और अगर ये कि लोग ये कहें कि नहीं जी मैं जा रहा हूँ मेरी तारीफ करें, तो फिर वो दिखावा हो जाएगा, वो आपके सवाब को ज़ाया कर देता है। मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसमें दिखावे को दखल नहीं, क्योंकि वो बंदे और अल्लाह के दरमियान। दुरूद शरीफ पढ़ने में भी दिखावे को दखल नहीं है, दिखावे को दखल। मैंने कुछ इशारा किया, आप समझे हों तो बात कर दी मैंने, कैसी इबादत है दुरूद शरीफ, इसमें दिखावा, इसकी अहमियत को समझो, उसकी शान को समझो। आपको बता दिया, अल्लाह ताला का कोई शरीक नहीं, ये जिंदा करना, रोजी देना, मारना, जिंदा करना, फिर ये किसके काम है? ऊंची कहिएगा, अल्लाह के काम। अल्लाह फरमाता है, तुम्हारे शरीकों में भी कोई ऐसा है जो इन कामों में से कुछ करे? वो बुतों को पूजने वालों, तुम्हारे बुत ऐसा कर सकते हैं? नहीं, तो फिर क्यों शरीक बनाए हैं? मैंने आपको बताया था, हज़रत सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला जवान थे, उनके वालिद उनको ले गए बुतों के आगे, कहने लगे झुको। हजरत अबू बकर ने कभी बुत परस्ती नहीं, बाप ने कहा बेटा इनको झुको सलाम करो, ये खुदा हैं। हजरत अबू बकर ने बुत को कहा तू खुदा है? मुझे भूख लगी है खाना खिला, मुझे भूख लगी है। वो कहां से जवाब दे, वो कहां से सुने? हजरत अबू, मेरा बाप कह रहा है तू खुदा है, मुझे भूख लगी है खाना खिला। अच्छा देख, मुझे कपड़ा चाहिए, नए कपड़े चाहिए पहनने के लिए, कपड़े दे। वो बुत कहां से सुने? आपने पत्थर उठा के उस बुत को जो पत्थर का बना हुआ था जोर से मारा, वो सारा चकना चूर हो गया। ये खुदा, ये कुछ कर सकते? कर सकते?
बुत बनाने वाला बंदा जो है वो तो बुत बना सकता है, बुत खुद को बना सकता है? शक्ल दी है बंदे ने जैसी कैसी बना दी, इंसान अकल नहीं है तेरे पास? सुभानहु व तआला अम्मा युशरिकून, कहो सुभान अल्लाह, फिर कहो सुभान अल्लाह, अल्लाह के जिक्र की नीयत, इबादत की नीयत से कहो सुभान अल्लाह, पाक है अल्लाह, पाक है अल्लाह, पाक हर तरह के शरीकों से, ऐबों से, कमजोरियों से, अल्लाह अल्लाह, सुभानहु व तआला अम्मा युशरिकून, पाकी और बरतरी है उसे इनके शिर्क से, चिमकी ये जो करते हुए, कभी किसी को खुदा बना लिया, कभी किसी को खुदा, अल्लाह पाक है हर किस्म के शरीकों से, अल्लाह ही को बड़ाई है। सारी तारीफें किसके लिए? पाक है, पाक है। ये मसला पाक वाला फिर सुना रहा हूं, हर बार सुनते हैं, बार बार सुनाता हूं, जहनों में ताजा। एक मर्तबा फिर कहिएगा सुभान अल्लाह। जब भी कोई आपसे कहे ना सुभान अल्लाह कहना, उसको खुश करने के लिए नहीं, अल्लाह के जिक्र की नीयत से, वरना सुभान अल्लाह कहने का कोई फायदा नहीं। अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की इबादत की नीयत से। सुभान अल्लाह के माने आप क्या करते हैं? अल्लाह ताला कहिए, लफ्ज़े पाक, बार बार बताता हूं आपको ताकि आपके जहन में शक शुबा ना आए। पाक का लफ्ज आपने अल्लाह के लिए बोला, अल्लाह पाक है। आप जगह के लिए भी कह देते हैं, जगह, बदन, लिबास, गिज़ा, आप अपने मुल्क को पाकिस्तान कहते हैं, सितान जगह को कहते हैं, पाक लोगों की जगह। पाक का लफ्ज़ आपने अल्लाह के लिए भी बोला, पाक का लफ्ज़ आप इतनी चीज़ों के लिए बोल रहे हैं, तो क्या बराबरी हो गई? क्यों? लफ्ज़ तो वही है, बराबरी क्यों नहीं हुई? पाक का लफ्ज़ अल्लाह के लिए बोला, पाक का लफ्ज़ आपने इन चीज़ों के लिए बोला, बराबरी हो गई? आप कहते हैं नहीं, तो क्यों नहीं हुई? अल्लाह का पाक होना उसकी शान के मुताबिक, इन चीज़ों का पाक होना इनके हाल के मुताबिक। जब फ़र्क आ जाए तो बराबरी नहीं होती, जब बराबरी नहीं तो शिर्क भी नहीं। हम जैसा अल्लाह को पाक कहते हैं, इन चीज़ों को वैसा पाक नहीं है। लफ्ज़ एक है, हकीकत एक नहीं। अल्लाह का पाक होना और बात है, इन चीज़ों का पाक होना। अगर मैं ये कहूं कि मेरा बदन ऐसा पाक है जैसा अल्लाह पाक है, तो बराबरी हो जाएगी? मेरे कपड़े ऐसे पाक हैं जैसे अल्लाह पाक है, तो बराबरी हो जाएगी? और कोई ऐसा कहता सोचता नहीं। लफ्ज़ एक है, तो सिर्फ लफ्ज़ों के इतलाक, इतलाक का मतलब लफ्ज़ों के बोलने से, किसी के लिए वो लफ्ज़ बोलने से, उस वक्त तक बराबरी या शिर्क नहीं होगा जब तक हकीकी माना मुराद न लिए जाए। और हम अल्लाह के लिए जैसा कहते हैं वैसा किसी और के लिए नहीं कहते। फ़र्क हो गया, जब फ़र्क हो गया तो बराबरी नहीं, फिर शिर्क भी नहीं। ये बात आपको समझा दी। अल्लाह ताला पाक है हर किस्म के शरीकों से। ये जिन्होंने शरीक बनाए ना बुत, क़यामत के दिन ये बुतों से कहेंगे हम तुम्हें पूछते थे, तो बुत आगे से जवाब देंगे हमने कहा था, तुमने बनाया था हमें शरीक, हम तुमसे बेजार। ये जिनको माबूद मानते हैं वो भी इनको किक आउट कर देंगे, हमें बनाया हुआ था, तो हमने कहा था। बार बार इनको पैगाम दिया जाता है, सुनो समझो, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अल्लाह पैदा करता है, अल्लाह रोजी देता है, अल्लाह जिंदा करेगा, अल्लाह मारेगा, ये शान किसकी है?
حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا جب مکالمہ ہوا تھا، قرآن میں ہے نا، حضرت ابراہیم نے کہا تو کدھر سے رب ہے؟ رب تو اللہ تعالیٰ ہے. اس نے کہا جس کو تم رب کہتے ہو وہ کیا کرتا ہے؟ ان کا وہ زندہ کرتا ہے، مارتا ہے. یحیی و یمیت. نمرود کہنے لگا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں. اس نے ایک پھانسی والے کو چھوڑ دیا اور ایک بے گناہ کو مار دیا. دیکھو اس نے زندہ رہنا تھا، میں نے مار دیا، اس نے مرنا تھا، اس کو زندہ چھوڑ دیا. حضرت ابراہیم ہنسے کہ اس کو زندہ کرنے اور مارنے کا مطلب بھی نہیں معلوم، خدائی کے دعوے کر رہا ہے. اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں، مثال جو دی وہ غلط. حضرت ابراہیم نے آگے سے جواب دیا، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے. تو اگر رب ہے تو مغرب سے نکال دے. فبوہت الذی کفر. حقا بکا رہ گیا، ہے یہ کیا کہہ دیا اس نے؟ اس نے کہا اس کو آگ میں ڈال دو. جواب نہیں بن پڑا، دلیل نہیں تھی، جواب نہیں ہو سکا. اللہ کا کوئی شریک زندہ کرنا، روزی دینا، مارنا، پیدا کرنا، یہ سب کس کے کام ہیں؟ اونچی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں. مردوں کو زندہ کرنا کس کا کام ہے؟ اب دو جواب مجھے. وہ اپنی طرف سے کرتے تھے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کرتے تھے. وَأُحْيِي الْمَوْتَى، میں زندہ کرتا ہوں مردے کو. قرآن میں بیان موجود ہے، اللہ نے بیان فرمایا. حضرت عیسیٰ کہتے تھے میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، میں بیمار وال بیمار کو شفا دیتا ہوں. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، سارے کام میں کرتا ہوں مگر بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے. اپنی ذاتی میرا کوئی کمال قوت نہیں. سمجھ آ گئی بات؟ پوچھ رہا ہوں. اللہ کے کوئی شریک نہیں ہے. فرعون کا، موسیٰ علیہ السلام کا بھی قرآن میں بیان موجود، نمرود کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ موجود. میں نے آپ کو وہ بھی سنایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. رب ارینی کیف تحیی الموتا. اللہ نے فرمایا تمہارا ایمان نہیں ہے؟ تو بالکل ہے. قالو بلا، بالکل ایمان ہے. میں پوچھ رہا ہوں دل کے اطمینان کے لیے، مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ فرمایا چار پرندے لے لو، رجالو، سدھالو، تم سے مانوس ہو جائیں، تمہاری بات سنیں، تمہارا کہنا مانیں، پھر ان کو ذبح کرو، کھال اتارو، ان کا پیٹا صاف کرو، بوٹیاں کر دو، بوٹیوں کا قیمہ بنا دو، مکس کر دو، نہیں پتا چلے چاروں میں سے کون سی بوٹی کس کی ہے. پہاڑ کے کونوں پہ ڈال دو، پہاڑ کے، قرآن میں ہے. اللہ فرماتا ہے ثم ادعوهن، پھر ان کو پکارو، پھر ان کو. وہ مور تھا، کبوتر تھا، مرغا تھا، جو بھی تھا، اللہ کیا فرماتا ہے ان کو؟ روح نکل چکی، قیمہ ہو چکا. اللہ فرماتا ہے پکارو. لوگ کہتے ہیں مردوں کو پکارتے ہو، قرآن کی اس آیت کا کیا جواب دو گے؟ یا علی کیوں کہتے ہو، یا غوث کیوں کہتے ہو، مردوں کو کیوں پکارتے ہو؟ دیکھو قرآن میں اللہ فرماتا ہے ثم ادعوهن، پکارو ان کو. یا تین کا سایا، جب تم پکارو گے زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے. قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم نے پکارا، وہ سارے دوڑتے ہوئے آ گئے. اللہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ اونچی. دکھا دیا ایسے کروں گا. انہوں نے سوال کر لیا، کیونکہ نمرود نے کہا تھا یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں. انہوں نے اللہ سے کہا یا اللہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے، دکھا دے. دکھا دیا. آئندہ آنے والوں کے لیے دلیل بن گئی. اللہ کے بندے اللہ کی عطا سے بہت کچھ کر سکتے. اونچی. آپ اس طرح بوٹی کر کے پکارو گے آ جائے گا؟ پوچھ رہا ہوں.
एक मुर्गा लो, ज़बा करो, बोटियाँ बनाओ, किनारे पे रख दो, पुकारते रहो, साल भर पुकारते रहो, आ जाएगा। मगर अल्लाह जिसकी पुकार में असर रख दे, फिर आता है या नहीं आता? तो रब की आता से असर होता है। इसीलिए मौलाना रूम फरमाते हैं ना, अल्लाह वाले का बोलना अल्लाह का बोलना, क्योंकि अल्लाह फरमाता है उनकी जबान मैं बन जाता हूँ। हम इसीलिए उनसे दुआ कराते हैं, उनकी जबान में असर, उनसे फूंक कहते हैं मार दो, दम कर दो, उनके दम में असर, हमारे दम में शायद जरासीम हो, उनके दम में असर बरकत। अल्लाह वालों को अपने ऊपर कयास न कर, कारे पाका रा कयास अज खुद मगीर, गरचे बाशद दर नविश्तन शेरोशी। मौलाना रूम फरमाते हैं पाक लोगों के काम को अपने जैसा मत समझो, शेर और शीर लिखने में एक जैसा, शीन ये रे, शेर में भी यही हरूफ हैं, शीर में भी। शीर दूध को कहते हैं, शेर दरिंदे को कहते हैं, लिखने में एक जैसा, हरूफ एक जैसे, फर्क है या नहीं है? शीर तुम खा पी जाते हो, शेर तुमको खा पी जाता है या नहीं है? तो फर्क है, किसने रखा है असर, किसने रखा है? अल्लाह का कोई शरीक नहीं, मगर अल्लाह ने अपने बंदों को ताकत दी। ये बयान जारी है, गुफ्तगू में मुझसे कहीं कोई गलती हुई हो, अल्लाह ताला उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तौबा करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये रिसाला है और शरीफ का, हर साल छापता हूँ, 41वें उर्स का रिसाला। आजकल महंगाई के दौर में आप अंदाज़ा कर लें, जो चीज़ 2 रुपए की मिलती थी अब 200 की मिल रही है आपका सामने। इसको पूरे साल मेहनत करके तैयार किया जाता है, कंपोज किया जाता है, फिर छपवाया जाता है, टाइटल बनता है, लाखों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन आपको मुफ्त दिया जाता है। इसलिए नहीं कि आप ले जाके रख दें, पढ़ें पढ़ें। एक घर के लिए एक लेना, ये आज आपको नमाज के बाद मिलेगा। अगर एक घर से 4 आदमी आए हो तो 4 ना लेना, एक लेना, ताकि 4 घरों में जाए। अगर आप 4 ले लेंगे तो फिर लोग कम लोगों को मिलेगा, तो एक घर के लिए एक ही आज आपको फ्री मिलेगा। इश्तिहार मौजूद हैं, आप अपनी मस्जिद में अपने इलाके में लगाना चाहें तो ले जाएं, लगाएं। ईसाले सवाब के लिए तैयारी करें, जितना पढ़ सकते हैं पढ़ें, जमा करें। 1-2 फरवरी को इंशाल्लाह उर्स पाक मनाया जाएगा, ठीक है। दूसरे शहरों वाले, दूसरे इलाकों वाले, सुन्नी हर मस्जिद में ईसाले सवाब होना चाहिए, होना एक ऐलान। दूसरी बात ये कि मैंने कोशिश की, बहुत ज़्यादा कोशिश की, आपको बताया था साउंड सिस्टम मस्जिद में, यहाँ क्याफ कॉरपोरेशन है सदर में, बावानी साहब जो उसके मालिक हैं, उन्होंने हमें कहा कि ये जी अमरीकी सिस्टम है, ये होगा वो होगा, लंबी चौड़ी देने के लिए, मगर उन्होंने जो माल दिया वो असली नहीं है। आजकल मार्केट में 2 नंबर होता है फ्रॉड, मस्जिद के साथ उन्होंने किया, मेरे साथ नहीं किया, किसके साथ किया है फ्रॉड? मस्जिद के साथ। उनको बुलाया, समझाया, वो साबित नहीं कर सके कि वाकई ये असली है। अब वो आएं बाएं शाएं कर रहे हैं, मान नहीं रहे हैं, तो अगर वो मस्जिद का नुकसान रहने देंगे, अपनी गलती नहीं मानेंगे, तो दुनिया में से 2 दिन उनके कट जाएंगे, आखिरत में उनको देना पड़ेगा। तो कोशिश में है। अब वो ये कहते हैं कि जी अदालत आखिरी रास्ता है, अदालत में जाओ मुकदमा करो तो फिर साबित होगा वहाँ पर, क्योंकि हमने भी बहुत से कॉरेस्पॉन्डेंस ईमेल करके कंपनी को बहुत कुछ जमा कर लिया है, मालूम कर लिया है, लेकिन उन्होंने सिर्फ हमारी मस्जिद के साथ नहीं किया, और भी कई मस्जिदों के साथ किया है। उन मस्जिदों वालों ने भी हमें बताया कि जब आप मुकदमा करेंगे हम आपका साथ देंगे, क्योंकि उनके साथ भी यही धोखा हुआ।
अल्लाह हिदायत दे लोगों को, पता नहीं पैसे को ही सब कुछ समझते हैं। अगर उनकी समझ में आता है तो मस्जिद के साथ नेकी कर लें, वरना फिर अल्लाह की पकड़ से वो बच सकते नहीं। मेलसी में हमारे अहले सुन्नत के एक बहुत बड़े आलिम, 94 साल की उम्र पाई हज़रत मौलाना ग़ुलाम हैदर ओवैसी साहब, 2 दिन पहले इंतकाल कर गए। उसी मेलसी में मोहम्मद मुमताज़ ख़ान खिच्ची, जो 5 मरतबा नाज़िम बने, लोगों में बहुत हर दिल अज़ीज़ थे, लोग उनसे बहुत मोहब्बत करते थे, लोगों के लिए बहुत काम करते थे, वो भी इंतकाल कर गए। मुझे उन्होंने उसके कुलखानी के लिए वहाँ बुलाया भी था। ये लोग जो ईमान के साथ चले गए, अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फरमाए। इंडिया में जनाब मुहर्रम अली कादरी बड़े काबिल आदमी थे, लिखने पढ़ने वाले भी, बोलने वाले भी। आसिफ रज़ा सैफ़ी साहब के वालिद, वो भी इंतकाल कर गए। और भी जितने लोग ईमान के साथ चले गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तनवीर शमसी साहब ख़त्तात हैं, बहुत अच्छे अहले सुन्नत के, उनके गालिबन ताया, वो भी इंतकाल कर गए, अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए। तो ये ज़रूरी ऐलान होते हैं, आपके सामने कर देता हूँ। उर्स शरीफ के लिए मैं कोई चंदा नहीं करता, पल्ले से खर्च करता हूँ, अल्लाह ताला तौफीक दे। हाँ, मोहब्बत से जो खुद दे उसको मना भी नहीं करता, बहुत ज़्यादा एहतमाम होता है। अब ये जो रिसाला है, पहले बार के पूरी दुनिया में 50 मुल्कों में भेजता था, 70 रुपये 80 रुपये एक रिसाले पे खर्च आता था, अब 600 रुपया एक रिसाले का खर्च। मैंने कहा इतने पैसे हमारे पास नहीं हैं, हम कंप्यूटर से PDF भेज देते हैं। अलबत्ता पूरे पाकिस्तान में जो पते हमारे पास है उनको भेजा, शुरू में 8 रुपये में जाता था, फिर वो बढ़ते बढ़ते पिछले साल 17 रुपये में गया, इस साल एक रिसाला 40 रुपये में गया है। अंदाज़ा करें महंगाई का हाल, वो पहुंच जाए उन लोगों को, वो पढ़ ले। मकसद मेरा होता है ईसाले सवाब, राबिता रहे, वाले साहब किबला का नाम रोशन रहे, लोगों को याद रहे, तो ये इसलिए मेहनत करते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला कबूल फरमाए। उर्स में इंशाल्लाह रात का प्रोग्राम भी होगा, दिन का भी। लोगों ने फरमाइश की थी पीर अजमल रज़ा साहब को बुलाएं, मैंने उनसे रब्ता किया, वो उम्रे पे गए हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि पहले पता होता तो इस साल नहीं, मैं आइंदा किसी मौके पे आऊँगा। वो सैयद वसीमुल हसन साहब हाफिज़ाबाद से आते हैं, हमारे दोस्त और भाई ख़तीबुल इस्लाम मौलाना शब्बीर हुसैन साहब हाफिज़ाबादी के फर्जंद हैं, तो वो तशरीफ़ लाते हैं। इसके अलावा मकामी दीगर उलमा अफ्रीका से, बरतानिया से जो आएंगे, उलमा भी आएंगे, नात खान भी होंगे इंशाल्लाह। मैं ऐलान करता हूँ, मज़ार शरीफ पर चढ़ाने के लिए कपड़े की चादर कोई भी ना लाए। आप जितना कपड़े की चादर लाना चाहते हैं उतने पैसे का जोड़ा ख़रीदें, किसी मुस्तहिक को दे दें और सवाब ख़तीब आज़म को दे दें। हमारे पास दाता साहब से आती है चादर, सालाना आती है, वो चढ़ाते हैं। तो आप कपड़े की चादर ना लाएं, फूलों की चादर भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं, अगर वो लाते हैं तो वो ज़रूर ले आएं। ज़्यादा से ज़्यादा ईसाले सवाब के लिए पढ़ें, ताकि हम उस मौके पर ज़्यादा हदिया पेश करें, नेकियाँ करते रहे। आज भी वो नेकियाँ कमा रहे, अल्लाह उनके दराजात बुलंद फरमाए।